हेलो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक सैनवांग FF शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे लैनसेन को ना मतलब कोड़े मारे जा रहे थे क्योंकि उसने ड्रिंक किया था, क्योंकि रात को किया था और गुसु में ड्रिंक लाना मना है इसी वजह से। तो ये देखकर ना हमारा विंगना बहुत गुस्से में आ गया था क्योंकि उसके ओमेगा को ना कोड़े मारे जा रहे थे। और ना हमारा विहिंगना जाता है गुस्से में और जो एल्डर मतलब सज़ा दे रहा था लैनसेन को, उनको ना वहाँ से हटा देता है। और ना उसका ना मतलब वैम्पायर वाला रूप जो है वो सबको दिख रहा था। और हमारा लैनसेन ना मतलब देखता है सिर उठाकर, क्योंकि उसने सिर झुका रखा था, तो उठाकर देखता है तो ना हमारा विहिंग वहाँ पे आ गया था और वो ना लैनसेन को उठा रहा था और कह रहा था कि तुम्हें ये लोग सज़ा क्यों दे रहे हैं बोल रहा था। तो ना हमारा लैनसेन कहता है कि कल मैंने ड्रिंक किया था ना, इसी वजह से बोलता है, और ये रूल के ख़िलाफ़ है बोलता है। तो विहिंग कहता है कि मैं कल ड्रिंक लेकर आया था और तुमने गलती से पी लिया था, तो इनको सज़ा भी मुझे देनी चाहिए ना, तुम्हें क्यों दे रहे हैं बोलता है। तो हमारा लैनसेन कहता है कि क्योंकि मैंने ड्रिंक किया था ना बोलता है। तो ये सुनकर ना हमारा विहिंगना मतलब गुस्सा करने लगता है कि तुमने मेरी वजह से ड्रिंक किया था गलती से, वो भी बोलता है। और ना ये सुनकर ना हमारा लैनसेन ना मतलब उसको फील हो रहा था कि विहिंग को उसकी कितनी फिक्र है करके। और विहिंग ना मतलब अंकल की तरफ देखता है और कहता है कि आप मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं, वो अब मेरा हस्बैंड है, आपके क्लैन का कोई मेंबर नहीं है, अब मेरे उससे बिलोंग करता है वो बोलता है। तो ये सुनकर ना हमारे अंकल जो है ना उनको ना मतलब दिल ही दिल में खुशी होती है। और ना वो सोचते हैं कि मेरे नेफ्यू को कितना अच्छा हस्बैंड मिला है, ऐसा सोच रहे थे। और अंकल कहते हैं कि हम तुम्हें तो सज़ा नहीं दे सकते क्योंकि तुम वैम्पायर प्रिंस हो और लैनसेन हमारा मतलब क्लैन का मेंबर है, इसी वजह से उसको सज़ा दे रहे थे। तो विहिंग कहता है कि मैंने आपको बोला कि वो मुझसे बिलोंग करता है, अब वो मेरे क्लैन का है, तो आप इसे सज़ा नहीं दे सकते बोलता है। तो हमारे अंकल ना हाँ कहते हैं। उसके बाद ना हमारा विहिंग जो है ना वो लैनसेन को लेकर ना कमरे में आ जाता है और लैनसेन को ना मतलब चोट लगी हुई थी विहिंग से आने से पहले, मतलब विहिंग वहाँ जब पहुँचा ना उससे पहले ही हमारे लैनसेन को ना 5 कोड़े मारे जा चुके थे। तो हमारे लैनसेन को ना मतलब चोट लगी हुई थी। तो हमारा विहिंग जो है ना वो गुस्से में बोलता है कि लैनसेन तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि किसी और ने तो बताया नहीं होगा, तुम ही ने बताया होगा, और तुम्हारे क्लैन में तो झूठ बोला भी नहीं जाता, ये मैंने सुना था, तो इसीलिए तुमने बताया होगा बोलता है विहिंग। और विहिंग का ना मतलब बहुत गुस्से से बहुत बुरा हाल हुआ रखा था। तो हमारे लैनसेन को फील हो रहा था कि विहिंग मेरा कितना ख्याल रखता है, मतलब केयर करता है, और उसे कितना फ़र्क पड़ रहा है, ऐसा सोच रहा था। और साउथ सिंचन ने ना मतलब हीलर को बुला दिया था लैनसेन के ट्रीटमेंट के लिए। तो हमारा विहिंग कहता है कि आप अच्छे से ट्रीटमेंट कीजिए इसका बोलता है। तो ना वो हीलर भी डरे हुए थे क्योंकि वो वैम्पायर प्रिंस है इसी वजह से, तो वो हाँ बोलते हैं और ना लैनसेन का ट्रीटमेंट करने लगते हैं। और हमारा विंग बाहर वेट कर रहा था। हीलर बाहर आते हैं और कहते हैं कि आपको ना ये दवाई उनको लगानी पड़ेगी बोलते हैं। तो हमारा विंग जो है ना वो हाँ कहता है और अंदर जाता है और ना लैनसेन को कहता है कि अपने रोब्स उतारो बोलता है, मतलब ऊपर वाले के, और क्योंकि उसके पीठ पे लगी हुई थी ना। तो हमारा लैनसेन ना हिचकिचा रहा था। तो विहिंग कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ बोलता है। और विहिंग जो था ना अपने डार्क रूप में था एकदम ही, मतलब लैनसेन ना डर जाता है विहिंग जब ऐसा कहता है। तो ना लैनसेन हाँ कहता है और उसके बाद ना खुद के रूप उतारता है। और ना विहिंग जो है ना उसके मतलब पीठ पे ना दवा लगाने लगता है। और हमारे लैनसेन को थोड़ा मतलब दर्द हो रहा था क्योंकि वो दवा जो थी थोड़ी जल रही थी इसी वजह से। तो हमारा लैनसेन जो है ना वो मतलब करहा रहा था थोड़ा थोड़ा। तो हमारा विहिंग कहता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मारने की, मतलब कोड़े मारने की, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं बोलता है। तो हमारा लैनसेन कहता है कि वो मेरी फैमिली है, आप उसको उनको कुछ नहीं करोगे बोलता है।
तो ना हमारा विंग ना हाँ कहता है। उसके बाद ना युवान जो था ना रोने लग गया था, क्योंकि मतलब उसने ना मतलब दूध नहीं पिया था इसी वजह से। तो हमारा लैंसन जब युवान का आवाज़ सुनता है ना तो विंग से कहता है कि आप मुझे युवान को दे दीजिए, मतलब उनको बुला दीजिए मेड को और युवान को यहाँ पर ले आइए बोलता है, और कहता है कि उसको दूध पिलाना होगा, उसने सुबह से नहीं पिया है बोलता है। हमारा विंग ना हाँ कहता है और ना मतलब मेट को बुलाता है और ना वहाँ से मतलब युवान को अपने पास ले आता है गोद में और ना लैंसन को गोद में दे देता है युवान को। तो हमारा लैंसन जो था ना उसको फीड करवाने लगता है और ना मतलब कपड़े से अपने आप को कवर करके रखता है। लेकिन विंग ना लैंसन को देख रहा था क्योंकि उसको ना चोट लगी हुई थी, फिर भी उसे युवान की परवाह थी इसी वजह से, और ना वो लैंसन को देख रहा था। और ना हमारा युवान जो था ना वो दूध पी लेता है और उसके बाद ना हमारा लैंसन ना युवान को गोदी में लेकर उठने की कोशिश करता है तो उसको ना दर्द होता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि क्या कर रहे हो बोलता है। तो लैंसन कहता है कि युवान को ऐसे मतलब घूमते हुए सोने की आदत है, मतलब घुमाते हुए वो सोता है, उसको घुमाना पड़ता है सुलाने के लिए बोलता है। तो विंग कहता है कि मैं घुमा देता हूँ लाओ बोलता है। तो ना हमारा लैंसन ना हाँ कहता है और ना हमारा विंग जो है ना उसको ना मतलब गोद में लेकर घुमाने लगता है युवान को, और ना हमारा लैंसन जो है ना वो विंग को देखने लगता है और सोचने लगता है कि तुम्हें युवान की भी कितनी फिक्र है, ऐसा सोच रहा था। उसके बाद ना लैंसन के जो भाई थे ना वो लैंसन को देखने आते हैं। तो अब विंग कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं बोलता है, क्योंकि आपके क्लैन के लोगों ने तो उसे सजा दी है बोलता है। तो मतलब सिचनगा कहते हैं कि मुझे नहीं पता था, मैं मुझे अभी पता लगा इसीलिए उससे मिलना आया हूँ बोलते हैं। तो हमारा लैंसन जो था ना अपने कपड़े ठीक करने लगता है क्योंकि उसने ना मतलब अभी युवान को दूध पिलाया था और उसकी मतलब दवाई भी लगी हुई थी इसी वजह से। और ना उसके भाई ना उसके पास आते हैं और पूछते हैं लैंसन तुम ठीक तो हो ना। तो हमारा लैंसन जो है कहता है कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ बोलता है। और ना हमारे सिचन का ना उसका ना बहुत केयर कर रहे थे, और ये देखकर ना हमारे विंग को ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली में कोई तो है जो उसकी केयर करता है, ऐसा लगता है। उसके बाद ना कुछ दिन बीत जाते हैं और वो लोग ना लैंड क्लैन में रुके हुए थे क्योंकि लैंसन को चोट लगी हुई थी इसी वजह से। और ना हमारा लैंसन जब ठीक हो जाता है ना तो ना वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं यिनमक जाने के लिए। और ना हमारा विंग जो था ना वो मतलब उनका जो घर था ना मतलब यिनमक और गुसु थोड़ा दूर था, तो उनको ना मतलब रात बितानी पड़ती है एक जगह। तो वो लोग ना ठहरे हुए थे एक इन में और ना वहाँ पर ना हमला हो जाता है। और ये हमला किसने करवाया है और किस लिए करवाया है और किसको मतलब चोट लगेगी या क्या होगा हम कल जानेंगे। आपको अगर ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना, मैं आपका कमेंट का वेट करूँगी। ओके बाय।